hello students how are you all i hope that you all will be fine guys myself jitin singh jitu sir your english teacher <coughs> children today in this video we are going to discuss the multiple choice questions of chapter second a fellow traveler so without wasting our time let's come on the point there are 22 multiple type questions that you have to read carefully and then take the correct answer so the first question is the train by which easy gardener traveled स्टॉप एट स्टेश यानि जिस रेलगाड़ी से राइटर एजी गार्डिनर यात्रा कर रहा था वह ट्रेन रुकती थी स्टेशनों पर कौन से बिग या सब अर्बन या स्मॉल या रोड साइड देन गाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए सब अर्बन स्टेशन सब अर्बन यानी वे स्टेशन जो किसी शहर की सीमा से बाहर पड़ते हैं तो जब एजी गार्डिनर ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो शहर लंदन की सीमा से जैसे ही वो बाहर निकला तो उसी स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि रेलगाड़ी रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर रुकती गई और एक एक दो दो करके यात्री उतरती गई तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा गाइस सबर्बन अर्बन ओके नाउ लेट्स कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम बींग अलॉन इन अ कैरिज दैट इज जॉल्टली जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट यानी बड़े स्वतंत्रता की अनुभूति होती है प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के अनुभव की अनुभूति होती है बींगन अकेले होने से इन अ कैरेज एक डब्बे में दैट इज जॉल्टिंग नोइजली थ्रू द नाइट उस रेलगाड़ी के डब्बे में जो रेलगाड़ी रात्रि में अकेले शोर मचाती हुई धक्के देती हुई धक्के देती हुई झटके देती हुई चलती जा रही थी तो गैस यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए फॉर बीइंग अलोन, फॉर अलोन, अकेले होने के लिए नेक्स्ट इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड सटिंग दैम एज अर्ट ऑफ ऑफ फ्रीडम वास्तव में आप उन्हें खोलते और बंद करते रह सकते हो ओपनिंग मीन्स खोलना एंड सटिंग मीन्स बंद करना वास्तव में आप उन्हें खोलते और बंद करते रह सकते हो एज अ शॉर्ट ऑफ और मना सकते हो एक प्रकार का करेक्ट आंसर होगा फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम नेक्स्ट मैग्ने हैज इट्स दयालुता रखती है अपनी सीमा तो गाइस यहां सीमा के लिए हम करेक्ट वर्ड यूज करेंगे लिमिट्स यानी दयालुता की भी अपनी सीमाएं होती हैं दयालुता भी अपनी एक सीमा रखती है ये वर्ड गाइस राइटर ने इसलिए यूज़ किया है कि जब राइटर ने मच्छर को कई बार माफ़ कर दिया तो वो अपने अंदर सोचने लगा कि अब की बार मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा क्योंकि क्षमा करने की भी एक सीमा होती है और मैंने इसे दो बार क्षमा कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर अ वैग्रेंट यू आर अ पब्लिक यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट यू आर अ वैग्रेंट तुम आवारा हो यू आर अ पब्लिक तुम जनता को नॉनसेंस कष्ट पहुंचाने वाले यानी दुख पहुंचाने वाले हो और यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट तथा तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो तो गाइज यहां पर करेक्ट आंसर है नॉन पब्लिक नॉन तुम जनता को कष्ट पहुंचाने वाले हो यानी जनता को दुख पहुंचाते हो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आई ये आई वर्ड यूज हुआ है राइटर के लिए दैट इज एजी गार्डिनर तो कभी राइटर कहता है एजी गार्डिनर फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एन द सेंस ऑफ फेडिंग यानी राइटर एजी गार्डिनर का हृदय मच्छर के प्रति द्रवित होने लगा और उसके अंदर से श्रेष्ठता की भावना फेडिंग धीमे धीमे कम होने लगी तो श्रेष्ठता के लिए गए यहाँ पर करेक्ट वर्ड यूज होगा सुपीरियोरिटी सो राइट आंसर इज सुपीरियोरिटी लेखक के अंदर से श्रेष्ठता की भावना जाने लगी कम होने लगी नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेमिटी एंड मर्सी वर दट नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन सो राइट गाइस राइट आंसर है एट्रीब्यूट्स विशेषताएं दो गुण यानी दयालुता और दया ये दो बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी के गुण हैं ऑफ मैन मनुष्य के एट्रीब्यूट्स मीन्स महत्वपूर्ण गुण विशेषताएं नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन यू यानी मैं तुम्हें तो मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूं तो गाइस क्षमा करने के लिए यहां पर करेक्ट वर्ड क्या यूज होगा वैसे तो गाइस फॉरगिव मींस भी क्षमा करना होता है बट यहां पर चैप्टर के अकॉर्डिंग रिप्राइव यू होगा क्योंकि चैप्टर में ये वर्ड रिप्राइव यू के नाम से दिया हुआ है इसीलिए हम रिप्राइव यू को करेक्ट आंसर टिक करेंगे देन करेक्ट आंसर इज रिप्राइव यू ओके नेक्स्ट फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया है ऑन दिस इस समर नाइट गर्मी की रात में सोगा इस करेक्ट आंसर इज समर नाइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव एंड यू हैवगा इस करेक्ट आंसर में भी इंटरेस्टेड और डिस्टर्बड या डिस्टर्बड और इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड और इंटरटेन्ड या इंटरटेन्ड और इंटरेस्टेड सो गाइस राइट आंसर इज इंटरेस्टेड एंड एंटरटेन्ड मैंने आप में रुचि ली है और आपने मेरा मनोरंजन किया है नेक्स्ट द ऑथर वन इवनिंग लेखक एक शाम सवार हुआ एक पैसेंजर ट्रेन में तो गाइस करेक्ट आंसर क्या यूज होगा माउंटेड क्लाइम्ड बोर्ड और अप देन करेक्ट आंसर होगा बोर्ड एड सवार हुआ एक पैसेंजर ट्रेन एक यात्री ट्रेन में नेक्स्ट एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट आई सॉ माई जब मैंने रेलगाड़ी का डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया आई सॉ मैंने देखा अपने सहयात्री को फैलो ट्रेवलर सहयात्री को फ्लटरिंग डाउन द लैम बल्ब के चारों ओर फड़फड़ाते हुए सो गाइस करेक्ट आंसर इज फेलो ट्रेवलर नेक्स्ट आई फेल्ट माय हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी फेडिंग ये क्वेश्चन गाइस अब भी आया था ऊपर बट वहाँ पे फेडिंग इधर दिया हुआ था और आपको सुपीरियोरिटी फील करना था यहाँ इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया है सुपरियोरिटी दिया हुआ है और आपको यहाँ पर फेडिंग फिल करना है ओके गाइस नेक्स्ट आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट कैरेज मीन्स डिब्बा गाइस करेज मीन्स साहस होता है इसलिए इनकरेक्ट है कार्टरेज जो आ, प्रिंटर में लगाया जाता है और कॉर्टेज मीन्स झोंपड़ी होता है तो यार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैरेज ओके गाइस नेक्स्ट आई फ्लिकम ऑफ माइनोज ऑफ ऑफ मीन्स अलग कर देना दूर उड़ा देना ऑफ नंबर ए आई फ्लिकड हिम ऑफ माइनोज मैंने उसे अपनी नाक से दूर उड़ा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट कोर्ट अवार्ड्स इट राइट आंसर इज एडब्ल्यू ए आर डी एस अवार्ड्स जस्टिस डिमांड्स इट न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसको प्रदान करता है अवार्ड्स मीन्स प्रदान करना ओके गाइस नेक्स्ट यू कैन ओपन द विंडो और सट इट विदाउट प्रोवोकिंग और प्रोटेस्ट प्रोवोकिंग और प्रोटेक्ट मीन्स बिना किसी बाधा या रुकावट के बिना किसी के टोके प्रोवोकिंग वोकिंग अ प्रोटेस्ट तो गाइस करेक्ट आंसर होगा प्रोवोकिंग नेक्स्ट आई कैन नॉट गो फार करेक्ट आंसर होगा फार ओके गाइस नेक्स्ट आई वेंट आउट इंटू द कूल समर नाइट करेक्ट आंसर होगा इंटू नेक्स्ट आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो लीथल मीन्स घातक प्रहार लेथल मीन्स घातक ब्लो मीन्स प्रहार मुक्के का प्रहार मुक्का नेक्स्ट हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर करेक्ट आंसर होगा गाइस सुपीरियर नेक्स्ट ही प्लेड फॉल्स मी ओपनली करेक्ट आंसर होगा गाइस विद मी मेरे साथ वह मेरे साथ खुलकर खेला सो गाइज दीज वर द ट्वेंटी टू मल्टीपल टाइप क्वेश्चन यू हैव गॉट द आंसर्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई इट सून थैंक यू बाय बाय टेक केयर